तो फ्रेंड्स अब मैं देख सकते हैं हम यहाँ पे अपने वीएन ऐप को यहाँ पे ओपन करके रखे हैं और वीएन ऐप में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ बैंड तक मैं बताऊंगा। वीएन में आपको एक इम्पोर्टेंट चीज आपको समझाने वाला हूँ जिसका उपयोग करना आपको नहीं आता है, जानते भी नहीं हो कि इसको उपयोग कैसे किया जाता है। चलिए क्या करते हैं, हम यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट को ले लेते हैं। फिर आपको सिखाता हूँ कि वीएन में कैसे आप की फ्रेम का यूज करोगे। की फ्रेम, आप की फ्रेम का नाम सुने भी होगा और आप नहीं भी सुने होंगे, आप जान सुने भी होगे तो फिर आपको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता होगा। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि उसको आप कैसे इस्तेमाल कीजिए, उसका क्या यूज है, आपको सारा चीज समझ आ जाए। हम यहाँ से एक वीडियो को ले लेते हैं, चलिए हम यहाँ से वीडियो को ले लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट पे देना, आपको क्लिक कर देना है। देखिए आ गया, आप देखिए मेरा एक वीडियो यहाँ पे आ चुका है। और चलिए अब इसमें हम की फ्रेम का यूज करके मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए देखिए मेरा कितना वीडियो, 26 सेकंड मेरे वीडियो से मिनट पार्ट को डिलीट कर देते हैं। देखिए जो मेरा वीडियो है 26 सेकंड का मेरा वीडियो यहाँ पे आ चुका है। देखिए हम यहाँ पे देन, हम वीडियो पे क्लिक करते हैं। देखिए एक रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, दूसरा की फ्रेम का ऑप्शन आ रहा है, तीसरा कर्व का ऑप्शन आ रहा है, चौथा लॉक का ऑप्शन आ रहा है, पांचवा डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, छठा डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। चलिए देखिए दोनों शो कर रहा है की फ्रेम। आप जानते हो की फ्रेम का ऑप्शन आपके वीएन ऐप में आता है, बट उसका इस्तेमाल क्या है, कहा अगर देता है उसका कोई तो इस्तेमाल है, आप उसको कैसे यूज करोगे, बहुत उससे फायदा होने वाला है, बहुत काम का चीज है यार की फ्रेम। और आप उसको यूज करना नहीं चाहते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। की फ्रेम का यूज करना हर किसी को आना चाहिए, मतलब जो वीएन ऐप इस्तेमाल करता है। और आप डिजिटल क्रिएटर हो और आप यूट्यूब पे काम करते हो या वीडियो क्रिएटर हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, तो फिर तो आपको जानना 100% जरूरी है की फ्रेम का क्या यूज है। चलिए वीडियो लेते हैं। चलिए हम इस वीडियो को 3 भाग में पहले कट कर लें। चलिए यहाँ सब क्या करते हैं, एक भाग कट कर लिए, एक भाग हो गया। चलिए फिर हम यहाँ से बीच में कट लगा देते हैं। फिर हम वीडियो को इस तरह से जूम कर लेते हैं। फिर देर हम आगे आते हैं। देखिए फिर हम इस बात करके फिर हम वीडियो पे क्लिक करते हैं, फिर हम की फ्रेम पे क्लिक करते हैं। चलिए फिर हम एंडिंग में आ जाते हैं, इंड पार्ट में। चलिए मतलब कि दूसरा पार्ट, दूसरा जो कट लगाया है, दूसरा कट ऑप्शन पे एंड में आ गए हैं। चलिए फिर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे हम करके ऐसे हम कर लेते हैं। चलिए देखिए ऐसे हो गया, हमें यहाँ पे अमरूद के पास हो गया। देन फिर हम अगला कट पे आते हैं, फिर स्टार्टिंग में आ जाते हैं, वीडियो को सेट करते हैं, की फ्रेम पे क्लिक करते थे, फिर हम तीसरा कट के एंडिंग में आ जाते हैं, फिर हम वीडियो को सेट करते हैं। तब देखिए फिर क्या करते हैं इसको इस तरह से, देखिए चलिए अब देखिए हम जो एडिट किए हैं कैसे बन पाया। चलिए किया मेरा पूरा वीडियो की फ्रेम का इस्तेमाल हो चुका है, आप समझिए कि कैसे मेरे वीडियो में बदलाव आया। चलिए देखिए यहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं, देखिए जूम हो रहा है, मतलब कि आप की फ्रेम को स्टार्ट करके अपने वीडियो में जो भी बदलाव करोगे, चाहे जूम कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, जूम इन कर रहे हो, जूम आउट कर, मतलब जो भी चीज कर रहे हो सारा चीज रिकॉर्ड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अब इस्तेमाल, आप ही इस्तेमाल कैसे करोगे, देखिए मतलब कि आप चाहते हो देन आपके पास एक वीडियो है, ठीक है, आप वीडियो में बोल रहे हो और पीछे से किसी चीज को आपको हटा के उसको फ्रंट पे लाना है, नहीं समझे आप। अब देखिए जैसे हम हो गए और मेरा फ्रेंड यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, और हम यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं और कुछ वो बोल रहा है, मेरा पीछे बैठा हुआ कुछ वो बोल दिया, तो मतलब उसके चेहरा को जूम करना, चाहते हो कि इतना पार्ट में बोला है और इतना पार्ट में उसको जूम करना, क्या करना है सबसे पहले वो कट करके उतना पार्ट को कट कर लेना, फिर उस पार्ट को स्टार्टिंग में क्रिएट का कर्सर को जो लामा पाई रहा था उसको ला कर दिला देना, फिर आपको क्या करना है की फ्रेम पे क्लिक कर देना है और फिर आपको वीडियो में एंड तक आना है, उस मतलब जो कट लगाया है उसको कट के एंड में आना है और फिर आपको उसको क्या करना है जूम करके अपने फ्रेंड को चेहरा ऊपर ला देना है, खुद ब खुद जूम होकर आ जाएगा। चलिए एक और दिखा देता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। देखिए देखिए अभी वीडियो हो गया, इसको पहले हटा लेता, हटाने के लिए क्या करना आपको वहाँ पे क्लिक करना, फिर आपको वीडियो के लिए फिर आपको क्या करना है, मैं फिर आपको की फ्रेम पे क्लिक करना, खुद ब खुद हट जाएगा। चलिए देखिए
जो है हट गया है, क्या करते हैं अच्छा से हम इसको क्या करते हैं ले लेते हैं। देखिए और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या मेरा वीडियो आ गया, यहाँ पे स्टार्टिंग मार जाते हैं, इस फ्रेम पे क्लिक करते हैं और फिर आपको क्या करना है इसी के एंड तक यहाँ तक आना है, यहाँ तक आकर फिर आपको यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, की फ्रेम का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना है आपको, बस जाइए आपको क्या करना है जूम करना है, फिर आकर हम यहाँ पे कर देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ पे जूम होगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट देखिए वहां पे जूम हो गया, देखिए रोटेट हो रहा है, मतलब कि आप की फ्रेम को बस आपको एक बार क्लिक करना है और फिर आपको जहां तक कराना है वहां तक कर्सर ले जाना है और आपको अपने वीडियो में जो वर्क करना है वर्क कीजिए, खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जाएगा और खुद ब खुद अगला की फ्रेम यहाँ पे लग जाएगा। अभी नहीं कर मैं स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा दिए फिर एंड में फिर वहां पे की फ्रेम लगा दिए फिर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, मतलब स्टार्टिंग में की फ्रेम का इस्तेमाल करना है, एंड में बस कर्सर लेकर के जाना है, वहां पे की फ्रेम पे क्लिक नहीं करना है, आपको वीडियो में जो भी जूम करना है जूम करना स्टार्ट अपना जो भी रिकॉर्डिंग हो सारा चीज आपको हो जाएगा। हाँ दोस्तों आप पता समझ गए कि वीएन ऐप में की फ्रेम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, की फ्रेम का इस्तेमाल करने से क्या फायदा है, कैसे कैसे क्या उसमें कुछ कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीज समझा दिया हूँ। अगर आपको इस वीडियो थोड़ा भी हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो सब के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना।